हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास झा फ्रॉम काई टेक्निकल इंस्टीट्यूट। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो टॉपिक्स में मैं आपको बताने वाला हूँ नोटपैड। नोटपैड एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसका यूज़ होता है सिंपली नोट को क्रिएट करने के लिए। अगर आप सिंपली नोट क्रिएट करना चाह रहे हो, कुछ लिखना चाह रहे हो पेजेस पे, तो उसके लिए नोटपैड सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और दूसरी बात क्या है कि अगर आप एज अ कंप्यूटर लर्नर हो, आप फर्स्ट टाइम कंप्यूटर सीख रहे हो, ठीक है ना, तो ऐसा सिचुएशंस में आपको नोटपैड से अपनी नॉलेज, अपनी जो पैकेजेस है वो स्टार्ट करने चाहिए, ठीक है ना। तो नोटपैड को कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, कैसे क्या प्रोसेसर्स है, इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं कि नोटपैड एक साधारण टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम से, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ हिंदी में, प्लेन टेक्स्ट आप इस पर लिख सकते हो। आप लिखने के बाद इसे सेव कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, बहुत सा ऑप्शन इसमें भी रहता है, शॉर्टली ऑप्शन बहुत सा रहता है इसमें। जब इसे आप सेव करोगे तो ये .txt फॉर्मेट में सेव होगा, मतलब इसका जो एक्सटेंशन होता है वो .txt होता है, ठीक है ना। तो चलिए, इसकी जो विंडो आपको दिखाई देगी कुछ इस तरह से दिखाई देगी, तो स्टार्ट पहले करते हैं नोटपैड को। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद टाइप करेंगे notepad। जैसे नोटपैड टाइप करोगे, देखो दिख रहा है यहाँ पे नोटपैड, आप इस पे क्लिक करो तो नोटपैड हमारी ओपन हो जाएगी। जब जैसे नोटपैड ओपन होगी, ये स्क्रीन शो कर रहा है ना, यहाँ पे अनटाइटल्ड नोटपैड, इसका मतलब होता है कि अभी इसमें कोई टाइटल नहीं है। जैसे ही इसे आप सेव करोगे तो इसमें टाइटल आ जाएगा, तो इसको हम लोग टाइटल बार बोलते हैं ना। यहाँ पे दिख रहा है फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, इसको हम लोग मेन्यू बोलते हैं, मेन्यू बार, ठीक है ना। और फिर ये जो है, यहाँ से आप रिस्टोर डाउन कर दोगे, देखो यहाँ पे डाउन हो गया, रिस्टोर हो गया। आप इसे मैक्सिमाइज, मिनिमाइज कर सकते हो, बड़ा छोटा कर सकते हो, इससे आप नोटपैड को बंद कर सकते हो। तो फिर से मैं इसे नोटपैड को ऑन कर लेता हूँ, notepad, नोटपैड ऑन हो गया है ना। तो बहुत ही आसान सा तरीका है नोटपैड को ऑन करने का। और इस ब्लैंक पेजेस पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखना है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू नोटपैड। तो जनरली यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, लिखने की पूरी स्वतंत्रता होती है, ठीक है ना। और नीचे आप देखो, यहाँ पे आपको शो कर रहा है लाइन वन, जैसे लाइन टू में मैं जाऊँगा, है ना, तो यहाँ पे इसकी स्टेटस यहाँ पे शो कर रहा है ना। आप लाइन वन में रहो तो लाइन वन कॉलम फाइव, है ना, तो आपका जो भी है यहाँ पे सारा कुछ शो कर रहा है ना। साइज 100% पे डाला गया है ये, ठीक है। तो इसकी स्टेटस, स्टेटस जो शो कर रहा है, इसको लोग बोलते हैं स्टेटस बार, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे आप लिख रहे हो कुछ भी, एंटर एंटर, देखो यहाँ पे ना स्क्रॉलर बन जाएगा पेज को ऊपर नीचे करने के लिए, तो ये स्क्रॉल बार, ठीक है। तो ये जनरली ऑप्शन है। अब देखो इसमें सबसे फाइल से हम लोग काम स्टार्ट करते हैं, मैं फाइल का केवल वर्क बता रहा हूँ फिलहाल, ठीक है ना। फाइल से काम स्टार्ट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे सबसे पहला देखो न्यू, जैसे न्यू पे क्लिक करोगे बोलेगा डू यू वांट टू सेव द चेंजेस, तो ये जो न्यू वाला फाइल्स है ये मतलब क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा यहाँ पे। तो जैसे सेव पे क्लिक करोगे ये सेव हो जाएगा, और डोंट सेव करोगे नया पेजेस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारा न्यू विंडो, जैसे न्यू विंडो पे क्लिक करोगे ऐसा ही एक और नोटपैड ओपन हो जाएगा, देखो दो नोटपैड ओपन हो गया। जैसे न्यू विंडो करोगे फिर एक नोटपैड ऑन हो गया। तो जनरली न्यू विंडो से आप नई नोटपैड वाली विंडोज को ऑन कर सकते हो। फिलहाल मैं इसे बंद कर देता हूँ, एक ही नोटपैड की विंडो में रखता हूँ, ठीक है। इसकी शॉर्टकट्स है, सबकी शॉर्टकट्स आप यूज करोगे बहुत अच्छे से काम करेगा। देखो मैं शॉर्टकट यूज करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एन, खुल गया ना। तो शॉर्टकट भी यूज करोगे तो बिल्कुल काम करेगा, कहीं कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका शॉर्टकट लिखा हुआ है, आप देखो, ठीक है। उसी तरह से अगर आपने कोई फाइल्स बनाया है ओपन कर सकते हो। बाय द वे अभी मेरे पास कोई फाइल्स नहीं है, तो एक फाइल्स में बना लेता हूँ। जैसे मान के चलो मैं बनाता हूँ माई सेल्फ विकास झा, ओके। इसे मैं क्या कर देता हूँ, पहले सेव कर लेता हूँ। तो सेव पे जैसे क्लिक करूँगा, देखो सेव वाला ऑप्शन खुला है यहाँ पे, ओके। मैं यहाँ पे अपना नाम रख के सेव कर देता हूँ विकास, एंड यहाँ पे सेव, ये सेव हो गया, ठीक है ना। देखो टाइटल आ गया यहाँ पे, टाइटल बार जो ऑप्शंस था यहाँ पे अनटाइटल लिखा रहा था, विकास आ गया। चलो अब नया पेज ले लेता हूँ, न्यू आ गया। खोलना है तो क्या करोगे, ओपन पे क्लिक करोगे, तो देखो यहाँ पे विकास शो कर रहा है, क्लिक करो ओपन करो, दिख गया ना। अगर इसी भी फाइल्स को हमें कॉपी करनी है अदर नेम से, तो उसके लिए हमारा बना है सेव एज। जैसे सेव एज पे जाओगे, विकास की जगह पे मैं लिखता हूँ विक्की, और यहां से सेव पे क्लिक। जैसे आप सेव करोगे देखो विक्की हो गया ना यहाँ पे। तो प्रोसीजर बहुत आसान है काम करना। अब देखो फिर से नया करो,
और ओपन पे क्लिक करो, तब मेरे पास विकास और विक्की दोनों होगा, देखो है ना, विकास भी है और विक्की भी है और विकास भी है, दोनों ऑप्शंस है। अब दोनों के अंदर कंटेंट भी क्या होगा, सेम होगा, विक्की ऑन करोगे तो वही कंटेंट मिलेगा, नया पेज ले लेता हूँ न्यू से, फिर ओपन करके विकास चेक करता हूँ, वही कंटेंट है, तो दोनों के अंदर सेम कंटेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है पेज सेटअप। पेज सेटअप होता है, आप अगर प्रिंटिंग वगैरह करना चाह रहे हो तो पेज को आप सेट कर लो, तो देखो यहाँ पे मार्जिन्स वगैरह शो कर रहा है और पेज का साइज दिख रहा है 4x6 साइज। तो जनरली हमारे पास जो जेरोक्स पेपर होता है उसको हम लोग A4 साइज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, A4 साइज। तो यहां से आप चूज कर लो ये A4 साइज का पेज, ठीक है ना। अब देखो शीट से क्या प्रिंट करना है, तो शीट भी प्रिंट करना है। मार्जिन्स यहाँ पे देखो चारों ओर दिख रहा है, तो मार्जिन आप घटा बढ़ा सकते हो, मान के चलो मैं चारों ओर ना 0.5 का मार्जिन रखता हूँ, टैब 0.5, टैब 0.5, टैब बटन से आप आगे बढ़ते चले जाओगे, टैब जैसे ओके करोगे यहाँ पे मार्जिन सेट हो जाएगा। अब देखो तो मार्जिन से यहाँ पे घट गया, पूरा सारा कुछ चेंज हो गया। अब आप प्रिंट करने के लिए प्रिंट पे क्लिक करो नॉर्मली, तो आपको जिस भी प्रिंटर से प्रिंट करना है वो प्रिंटर आप चूज करके यहाँ से प्रिंट कर सकते हो, बस जितनी कॉपी आपको 10 कॉपी चाहिए 10 पे क्लिक करके आप प्रिंट पे क्लिक कर दो, तो क्या हो जाएगी ये प्रिंट होके निकाल देगा, बस प्रिंटर से कनेक्ट होना चाहिए। एंड इसी में है एग्जिट, जैसे एग्जिट करोगे ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको नोटपैड का जो ये फाइल मेन्यू था ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह से हमारा है इसी में एडिट मेन्यू, ठीक है ना। तो चलो मैं एडिट मेन्यू को आपको करके दिखाता हूँ, तो फिर से मैं नोटपैड ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो अब नोटपैड हमें सेकंड ऑप्शन जो है अंडो एडिट के अंदर, अंडो कट कॉपी पेस्ट, ये बहुत सा ऑप्शन इसमें शो कर रहा है ना। तो मान के चलो क्या होता है अंडो, क्या होता है, मान के चलो मैं कोई काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस, दूसरा लिखता हूँ मैं इज काइट इंस्टीट्यूट, अभी देखो क्या करेगा अंडो। लास्ट काम मैंने क्या किया, क्या लिखा है, इंस्टीट्यूट लिखा है, देखो अंडो करो, सारा काम जो है खत्म हो गया, ठीक है ना, फिर अंडो करो आ गया। तो अंडो से आपका जो लास्ट एक्शन है उसको ये क्या कर देता है, रिपीट करता है, ठीक है ना, अंडो, इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल जेड। तो लास्ट एक्शन हमारा खत्म करेगा, रिपीट करेगा लास्ट एक्शन, आप जो भी करोगे, अगर लास्ट एक्शन में मैंने इसे डिलीट कर दिया, ठीक है ना, तो कंट्रोल सॉरी अंडो करोगे तो वो लौट आएगा, ठीक है ना। लास्ट एक्शन में मैंने मान के चलो लिखा हे, अंडो करोगे वो हट जाएगा, इंस्टीट्यूट और हे वाला वर्क मेरा लास्ट एक्शन था, फिर अंडो करोगे वो आ जाएगा। तो जो लास्ट बार आप यूज करोगे वो वाले एक्शन को वो क्या करता है, रिकॉर्ड करके रखता है, तो बैक कर देता है, फिर उसको रीस्टेप कर देता है। तो अंडो का यही काम है, मतलब इट रिपीट्स द लास्ट एक्शन डन बाय यूजर, यूजर के द्वारा किया गया कोई भी लास्ट एक्शन को ये रिपीट कर देता है। नेक्स्ट है कट, काटना है किसी चीजों को, मुझे मान के चलो इंस्टीट्यूट को काटना है, यहाँ से सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट कैसे करना है, लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हुए यहाँ पर रिलीज कर देंगे कर्सर, और यहाँ से कट, कट हो गया, और कहीं पे लाना है एंटर करो और पेस्ट कर दो, तो वो कट के यहाँ पे आ जाएगा इंस्टीट्यूट, है ना। तो इन चीजों के लिए इसका यूज होता है। कट कॉपी का फॉर्मूला भी है कंट्रोल एक्स, अब जैसे कॉपी ही करना है मुझे, ये पूरी कॉपी करना है, सेलेक्ट किया मैंने और कॉपी कर लिया, और पेस्ट का देखो तो फॉर्मूला क्या है, कंट्रोल भी, चलो मैं शॉर्टकट यूज करता हूं, तो ऐसा करता हूं मैं नीचे आया और कंट्रोल के साथ भी जैसे प्रेस करूंगा पेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो कट कॉपी के लिए दोनों के लिए पेस्ट यूज करो, डिलीट डिलीट के लिए बहुत अच्छा आसान ऑप्शन है, सेलेक्ट करो, अब डिलीट करना है इसे, तो यहां से डिलीट कर दो, लाना है तो क्या करना है, लास्ट एक्शन है अंडो कर दो, लौट आएगा, ओके। चलो नेक्स्ट है सर्च विथ बिंग, अगर आप बिंग के साथ कुछ भी इसे सर्च करना चाह रहे हो इसमें, इस पर क्लिक करो, तो यहाँ से आप ओके करोगे तो सर्च का ऑप्शन खुल जाएगा सर्च इंजन के थ्रू, ठीक है ना। फिलहाल इस ऑप्शन को ऑनलाइन के थ्रू है। नेक्स्ट है फाइंड, अगर आपको ढूंढना है फाइंड का पूरा ऑप्शन, किसी चीज़ों को ढूंढना है, तो मुझे मान के चलो ढूंढना है कि मैंने टी कहाँ कहाँ पर लिखा, टी मैंने यहाँ लिख दिया और फाइंड नेक्स्ट, देखो टी टी अब नहीं है टी, अगर हमें ऊपर जाना है नीचे से तो अप पे क्लिक कर दो, क्लिक करते चलो ये ढूंढता चला जाएगा, अब नहीं है टी तो बता रहा है कैन नॉट फाइंड टी, समझ में आया मैटर।
ऐसे ही आपको काम करना है। नेक्स्ट देखता हूं मैं क्या हो, फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट एक्यूरेट वही ढूंढने के लिए होता है, यहां पे क्लिक करो और फाइंड नेक्स्ट करो। इसका शॉर्टकट्स देखो जो मैंने सेट कर दिया था, फाइंड नेक्स्ट बताता है यहाँ कोई नहीं है, टी कर्सर मैं ऊपर रखता हूँ। अब देखो फाइंड नेक्स्ट करो, टी फिर फाइंड नेक्स्ट करो, फिर दूसरा टी फिर फाइंड नेक्स्ट करो, तीसरा टी फिर फाइंड नेक्स्ट करो, चौथा टी, ऐसे करके ढूंढता चला जाएगा जो आपने इस फाइंड वाले बॉक्स में सेट किया है। ये टी को अगर मैं यहाँ पे दिस लिख देता हूँ, टी एच आई एस दिस, अब करो फाइंड नेक्स्ट तो दिस, चलो इसको कैंसिल मैंने किया, यहीं से आप करो फाइंड नेक्स्ट, पहला दिस दूसरा दिस, अब दिस नहीं है बताएगा कैन नॉट फाइंड दिस। तो कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को भी ढूंढ सकते हो, पर्टिकुलर वर्ड को भी आप ढूंढ सकते हो, सेंटेंस को भी ढूंढ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से फाइंड प्रीवियस, पिछला वाला आपको ढूंढना है, फाइंड नेक्स्ट फाइंड प्रीवियस, है ना। नेक्स्ट है रिप्लेस। अब देखो रिप्लेस क्या होता है, रिप्लेस का मतलब हटाना। तो दिस की जगह पे मैं चाहता हूँ, अगर मान के चलो मैं चाहता हूँ कि टोटल दिस की जगह पे दैट हो जाए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दैट, और देखो यहाँ दिस है यहाँ दिस है, जैसे रिप्लेस एक रिप्लेस करोगे तो एक एक केवल ये वाला दैट मतलब चेंज होगा, अगर रिप्लेस ऑल करोगे तो दोनों दिस दैट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये तरीका है रिप्लेस का। ओके नेक्स्ट है गो टू। गो टू एक्चुअली काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं काम कर रहा, तो चलो मैं बताता हूँ क्यों नहीं काम कर रहा। आई थिंक स्टेटस बार को हमें ऑफ करना पड़ेगा, है ना। नो एक सेकेंड, स्टेटस बार से कुछ नहीं है, यहाँ पे वर्ड रैप को हमें ऑफ करना पड़ेगा। अभी देखो आपका गो टू काम करेगा, है ना, क्योंकि वर्ड रैप से क्या होता है कि लाइनिंग को ये इग्नोर कर देता है लाइन बाय लाइन। तो और गो टू का यूज़ ही है नंबर ऑफ लाइन में जाने के लिए, मुझे 5 नंबर के लाइन में जाना है, मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ और गो करता हूँ। तो देखो कर्ज 5 नंबर के लाइन में ब्लिंक कर रहा है, मतलब ये 5वां लाइन हुआ, ये चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, है ना। एक मैंने यहाँ पे 2 लाइन छोड़ा हुआ है इसलिए, तो ये 5वां नंबर का लाइन था। अगर 6ठा में जाना है तो सेम प्रोसेस में गो टू 6, तो आप देखोगे 6 नंबर के लाइन पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तीसरा पे जाना है गो टू 3। तो आप शॉर्टकट भी सबके लिए यूज करिए, आप ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट इज सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट इसको कहते हैं, ये सेलेक्ट हुआ, अगर एक क्लिक से सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ ए यानी सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करो, कंट्रोल ए भी प्रेस करोगे टोटल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है पेज पे अगर टाइम एंड डेट चाहिए तो एडिट पे क्लिक करो, टाइम एंड डेट, दिख गया ना। तो जनरली ये चीज आपको यहाँ पे दिख जाएगा। नेक्स्ट है फॉर्मेट। पहला है हमारा वर्ड रैप। देखो वर्ड रैप कैसे काम करता है, जैसे आप कुछ भी लिख रहे हो यहाँ पे, देखो पेज अंदर जा रहा है, हम चाहते हैं एक पेज में आ जाए, तो वर्ड रैप पे क्लिक करो। अब देखो अब आप कुछ भी लिखो, देखो लौट आया ना, तो यही होता है वर्ड रैप, कि मतलब लाइन को इग्नोर करके एक ही लाइन में ये आप पेज में चलता रहता है। तो मतलब मैक द रिटन टेक्स्ट टू बी एडजस्टेड इन अ सिंगल लाइन और ऑन अ होल वर्किंग एरिया। तो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है ना, एक ही वर्किंग है। नेक्स्ट है फॉन्ट। अगर आप इसका लुक वगैरह चेंज करना चाह रहे हो, लिखावट का लुक, तो यहां देखो बहुत सा लुक है, जो भी लुक चाहिए हमें, ये सही लग रहा है। यहां पे प्रीव्यू दिख रहा है इसका सैंपल, बोल्ड करना है, थोड़ा साइज को छोटा करना है। ओके देखो चेंज हो गया ना लुक, तो आप जैसा लुक में चाह रहे हो वैसा लुक कन्वर्ट कर सकते हो यहां से फॉन्ट से। हिंदी में लिखना है हिंदी में आप लिख सकते हो यहीं से, ठीक है ना, जो भी चाहिए। एंड ओके चेंज हो रहा है, तो ये तरीका है फॉन्ट का। नेक्स्ट है व्यू। व्यू में सबसे पहला है जूम इन, देखो बड़ा होगा, बड़ा हो रहा है ना। फॉर्मूला है कंट्रोल के साथ प्लस, अगर मैं फॉर्मूला अपनाता हूँ देखो बड़ा हो रहा है, कंट्रोल माइनस से छोटा हो रहा है, कंट्रोल प्लस से बड़ा, कंट्रोल माइनस से छोटा, यहाँ पे वही दिया हुआ है, जूम इन से बड़ा, जूम आउट से छोटा। रिस्टोर डिफॉल्ट जूम, मतलब 100% नॉर्मल हो गया, जैसा पहले था वैसा हो गया। नेक्स्ट है स्टेटस बार। ये अगर स्टेटस बार को बंद करना है तो यहाँ पे क्लिक करो, बंद हो गया, इसी पे क्लिक करोगे तो ऑन भी हो जाएगा। और वर्ड्स और अगर नोटपैड से रिलेटेड और भी कोई हेल्प चाहिए तो यहाँ से क्लिक करो, सारा हेल्प आपको बताएगा, तो इंटरनेट के जरिए कनेक्ट होगा और हेल्प आपको दिखाएगा। नोटपैड के बारे में जानना है तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि विंडोज 10 का बेसिस का ये नोटपैड है, वर्जन 1909/2019, तो इस बेसिस का ये आपका नोटपैड है। तो ये चीज़ आपको पूरे डिटेल्स दिखाएगा।
तो फ्रेंड आई थिंक आपको नोट पैड से रिलेटेड ये पूरी कंप्लीट मैंने वीडियोस रखा जिसमें पूरी नोट पैड को मैंने कवर किया। आप इसको प्रैक्टिस करो। ऐसे मैंने इससे पहले भी नोट पैड का टॉपिक वाइज डिटेल्स डाला हुआ है अपने चैनल्स पे, अगर आप उसे भी देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। अदरवाइज़ ये नोट पैड की मैंने ये पूरी वीडियोस सिंगल वीडियोज़ में मैंने ये पूरी नोट पैड को रखा। आप इस पर धीरे 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 वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस करो, आप वीडियो को देख देख के काम करो, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, शॉर्टकट्स भी यूज़ करो, शॉर्टकट्स को याद रखो, तो इससे क्या होगा आपका सारा चीज़ क्लियर होता चला जाएगा। तो अगर कोई इश्यूज जनरेट है तो कमेंट सेक्शंस में लिखो, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए नोटिफिकेशंस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू।